सो नमस्ते दोस्त, आप सभी का एक बार फिर से ऊंचा जी नामक गेमिंग चैनल पर स्वागत है और अभिनंदन बंधन। तो आज अपन जा रहे हैं प्लेन में बैठ के, कहाँ पे जा रहे हैं अभी हमारे मैप में लग गया माँ क्या, हम जाने वाले हैं जॉर्ज पुल। मज़ा आने वाला है फिर तो, कतई जहर मज़ा आने वाला है। तो हाँ, तो आज की इस वीडियो में कुछ गजब चीज़ होने वाली है, वो आप देखते जाओ। बिहाइंड द सीन दिखाने वाला हूँ कुछ चीज़ों के, आप देखना जरूर। और अगर आपको वीडियो अंत में अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अभी आप चैनल पर नए हो तो अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो गाइस, ये आ गया, अपना डिस्टेंस कम हो गया, 800, 700, 500। तो लगाई जाए जंप, तो ये लगाई हमने जंप, तो अभी अपन मिलते हैं नीचे। चलो डायरेक्ट मिलेंगे अब नीचे। तो अब हम पहुंच गए हैं 3 बियर हाउस पे, तो चलो जरा की जाए लूट पूट। तो यह मिला हमें लेवल 2 का हेलमेट, ओहो साथ ही साथ वेस्ट मिली, शॉर्ट गन मिली, मजा आएगा। 5 KMO बैग में एक बस्ता पैसा मिल गया, स्कोप मिले जा रहा है, पर गन अच्छी मिल नहीं रही, एक VR गन है नहीं, पता नहीं काय में स्कोप लगा चला। हाँ वैसे कह सकते हो तुम के ओम जैसे तुम चला लो शॉर्ट गन को, कोई दिक्कत नहीं कि 4x लगाओ चला। पर इसी के साथ हमें नज़र आई M4 में मिली, MO के साथ मिला हमें मेडकिट, चलो मेडकिट मिल गई। इसी के साथ सामने शायद कोई है, लग तो रहा था कोई दिख जाए, एक का शुभारंभ मिल जाए, शायद कोई है था, पता नहीं गायब हो गया क्या, जादूगर आया क्या। चलो कोई नहीं, अभी तो कोई नहीं है, अभी अपन मार्क लगा देते हैं, अलर्ट डाल देते हैं कि यहाँ पे कोई है। तो गाइस अगर आपको कोई दिखे तो बता देना कमेंट में, कोई था के मेरी आंखें खराब हो गई थी। इसी के साथ अब हम चलते हैं मैं दोनों में पास, क्या करो भाई कहाँ हो तुम, तो निकल लिए यार कच्चा बनिया, कहाँ ना क्या मम्मी ने बुलाया, कहा सामान ला दे। हाँ तो शायद ये सामान वगैरह लेने गया होगा। तो चलो अपन चलते हैं 3 में 5, क्योंकि अच्छे भाई ने अभी पूरी गदर मचाई रखी, ऊपर दे टप करने लगे। और अब हमें मिल गया हेलमेट, लेवल 3 का हेलमेट, अब तो हमको पट पकाने भी हम तैयार। ओके तो यहाँ देख सकते हो आप हमारे पता नहीं ये एक्स विश्व नामक व्यक्ति ने हमारे 2 नंबर को जो कि ऑफलाइन गए थे सामान लेने, मम्मी उसे ठोक दिया है, पता नहीं यार वो बोलेगा या मम्मी या तुम्हारे चक्कर में हार गया। मम्मी ने बोला दिन भर गेम ही खेलते रही थी, कुछ काम नहीं आया तो बस ऐसा करके मोबाइल फेंक दिया। तो यह मैं जा रहा 3 में 5, इसी के साथ साथ हमें पड़ी है M249 का शॉट, पता नहीं ये एक बिस्वा भाई ने अभी हमारे 2 नंबर को भी लपेटा था और मम्मी को भी लपेट लिया, पता नहीं क्या खा के आया ये बिस्वा, पता नहीं कौन सा बिस्व क्या जहर मेहर हमारा मामा रह क्या साल, कौन सा बिस पी के आया। चलो आ जाओ, तो ये कर रहा है अपने को 4 नंबर रिवाइव, जब तक देखते हैं अपन क्या होने वाला है। 4 नंबर रिवाइव कर रहा है और हमारा 3 नंबर वहाँ कांड कर, और 4 नंबर ही तो कर रहा था कांड, तो चलो सही है। तो इसी के साथ मैं लगा लेता हूँ हेल्थ किट, ये लगाई मेड किट जो कि मुझे मिली थी हमारे M4 के साथ के फट में। तो अब देखते हैं ऊपर कहाँ है, कहाँ से दे रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है साला। अबे दिया, अबे ये तो नीचे है गाइस, ये लेटा हुआ है नीचे, पता नहीं पहले ऊपर था अब ऊपर से नीचे कब आ गया। और गजब सीधा M249 इतनी जोर से कौन चलाता है बे, इतना फास्ट रिफ्लेक्स, क्या खा के आया भैया। ओ भैया 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 बिस्पो भैया, चलो कोई नहीं अब हम इन्हें कर लेते हैं एक्सपेक्ट। पर अभी हमारा 1 3 नंबर जिंदा है, तो अभी हम देखते हैं इससे ये कितना क्या उखाड़ लेगा। देख अभी ये मारने की कोशिश कर रही है, वही एक बिस्पा है जिसने हम सबकी कुंडली खराब की हुई है। तो आ जाओ देखते हैं ये बिस्पा का क्या क्या चमत्कार होने वाला है, ये चमत्कार तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। मुझे लग रहा है कि कोने का रिफ्लेक्स अगर आपका इतना तेज हो तो आप बदल सकते हो, तो भाई तू मर जाए यार उसे चेक करना। तो इतने में माई बोली हो गई सच, तो कह सकते हो हमारी जुबान थी उस टाइम कड़ भी, ठीक है सरस्वती बैठ गई थी हमारी जुबान पे, तो वो भी हो गया पहने से जी के साथ। ये दूसरी टीम पे हमारा एक्सपेक्टेट हो गया, तो हमें बहुत दुख बुरा लगा, पर हम सोच रहे थे क्यों ना, चलो देखते हैं इसका भी कुछ कांड होने वाला है, क्योंकि उस स्क्वाड वो खा गया। देखो कहीं चमत्कार सामने दिख ही गया, अभी देखो चमत्कार होने वाला है। विश्व भाई ने वर्ड आए, ये आ गया विश्व भाई की एक गेम चल गई, ये खत्म। और भैंस की यहाँ पिस्टल से उसे फिनिश करा, क्या भाई क्या खा के क्या आया है। अब फिनिश है वो दूसरा बंदा, उसका एक नोक हुआ था, दूसरा जिंदा था, दूसरा ही फिनिश है पिस्टल से इतनी दूर से, क्या भाई क्या खा के आया, कुछ तो गड़बड़ रहता है। चलो इसकी कुंडली चेक किया, कुंडली चेक करने पर चले ये 24 में खेला और उसने 11 खेली, मतलब ये तो खतरनाक खिलाड़ी है। ओके ये पिस्टल से इसने कोई मेजरी पेड़ से मेजर कर दी, और इसके साथ एक एम से जैक के स्पेरे को भगा दिया,
निकल के अपने वो जहाज महाज पे घूम, यहाँ कहाँ घूम रहा है। इसकी और टीम मैच को देखा जाए तो इसके टीम मैच हम सोच रहे थे सारे रैंक पुश कर पा रहा है, नहीं ये रैंक पुश वगैरह कुछ नहीं कर पा रहा, ये तो ये नंगे पंगे लोगों के साथ घूम रहा है। मैं ये गलती से इनकी टीम में फंस गया और ये इनकी पूरी स्क्वाड की झंड हो रही है क्योंकि इनकी स्क्वाड को ना मिल रहा है एक भी किल, तो उनकी हो रही है उनकी में हो रही है किल बिली। चिन्ह में काट रहा जोर से साला, ये पूरे किल मार जा रहा है कि अब तक 8 किल हो गए और हमें साला एक किल नहीं मिला। तो देख सकते मैंने किया ऑल पे माइक के, साला कोई सुन ले के हैकर है मैं बता दूं, पर कोई नहीं सुन रहा था। ठीक है तो यहाँ इसके बंदे लूट मूट मचा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ कांड करने की तैयारी में। एक नंबर ने मोली फेंकी क्यों, क्योंकि इनमें कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा गाली गलौज के चक्कर में, उसने फेंक दी मोली के साले, कुछ ना कुछ तो कांड किया होगा एक नंबर ने। तो इसी के साथ हमारे 2 नंबर को आती गुस्सा, उसने किया नेड, ओहो तो ये भी अब देखो मोलियों का आग का तो यहाँ खेल होगा, आग हाथ पे नाचेगी देखो। अरे 3 नंबर पे बढ़िया मौका था वो फेंक देता, पर अब देखो इसके दिमाग की बत्ती कितनी जल्दी जलती, जीत जली भाई साहब। क्या नशा करके आया था क्या, पहले तो जो मोली नहीं फेंक पाया, बाद में मोली फेंक रहा, कोई नहीं देखते जाते हैं अब ये क्या करने वाले हैं। अभी मैं देखूंगा बिस्वा भाई को कहाँ है बिस्वा भाई, क्योंकि ये अमर लोग है, ये मिल गई इसे बैरल। आहा बैरल के साथ कौन सा कुंभ था, रुको 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 अभी देखता हूँ बैरल के साथ कौन सा कुंभ चला रहे हैं ये हमारे मित्र मित्रगण, बहुत मित्रगण है ये, पता नहीं कौन सा है। चमत्कार लगा क्या मीन, ये रावण दहन में नहीं मरे यार, कोई बताओ यार ये कब तक। वैसे तो गाइस अपना न्यू स्टेट आ चुका है, 11 तारीख को वो आने वाला है, अपन वही खेलेंगे, तब तक देख लें ये क्या करने वाले। ये इसे मिली है कि मैं तो जा रहा हूँ विश्व भाई को देखने, कहाँ विश्व भाई कहाँ विश्व, ये मिल गया विश्व भाई, इनने इनके पास तो चमत्कार शक्ति हैं इन पे यार, हम सोच रहे थे खूब रफ्तार वाली। वो पेल दिया, वो कहाँ दिया भाई, ये कौन सा रिफ्लेक्स था गाइस कि ऐसे घूम के बस फ्री फायर दे दो, कोई एम एम की टेंशन ही नहीं, एटीएस खोलने की जरूरत ही नहीं है, बस दे दो फटाफट। तो उन लोगों को पता चल गया ये कुछ चमत्कार है, इसकी में कोई कीड़ा है, तो उन्होंने इसकी फोड़ने की सोची, तो वो गाड़ी माड़ी लेके इसके पीछे पड़ गए। पर ये बंदा वहाँ जोर्ज पुल से भागा सीधा कहाँ क्या था, ये आया सीधा का सीधा मिलिट्री बेस के ये यहाँ पे, पता नहीं यहाँ से कौन देखा, शायद किसी की कुंडली खराब करने आया होगा। ठीक है किसी की कुंडली पर शनि चढ़ने आया है इसका, तो ये बेसो भाई अब देखो अपना शनि रूप दिखाने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो हो पाया, तभी ये इतनी मील सार समुंदर पार करके आया, कोई तो था यहाँ पे, या तो कोई तो था, या तो कह सकते जिनके पीछे आ गया ये, पर यहाँ नहीं मिथुन पिथुन थे ना, यहाँ तो थे ईस्ट बीस्ट है, इनका बना दिया इसने बीस्ट बीस्ट। चलो आ जाओ अब देखते हैं और क्या होने वाला है इसके साथ, मज़ा आ रहा है वैसे तो इसे देख के, बस ऑल पे कोई होता तो और मज़ा आ जाता, क्योंकि उनकी जो प्रवचन होते हैं वो सुनने में बड़ा मज़ा आता है जब इन लोगों को पढ़ते हैं। तो ये जा रहा था ऊपर गाड़ी माड़ी ढूंढना कि जोन तो पूछे, पर ये रिटर्न हो गया और ये सोचा कि चलो बोट से निकला जाए, तो ये निकलता है बोट से, पर इसकी बत्ती चली गई, इसने रिवर्स मारा, मतलब किसी की ज़िंदगी ख़त्म है, किसी की ज़िंदगी पर काल आ गया, या देखता है ये कोई ना कोई तो होगा मुझे तो लग रहा है। ओके मुझे टंक 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 भैंस की आँख, 4 के 4 खत्म, एक स्प्रे में ही खत्म, इतना तो सारा कोई भी नहीं मार पाता बे, क्या खा गया आया M249 का स्प्रे देता तो भी मार बात मानी, M762 का एम स्प्रे था गाइस, कोई भी एड मतलब ऐसा था ही नहीं कि ADS बिना ADS खोले उसने उतार दिया, तो तुम बग्गी की स्पीड से भागो या मोटरसाइकिल से, मैं तब भी उतार दूंगा। ये पावर थी, ये मिली ऐसे M249, तो ये बंदा देख के घबरा गया कि साले ये चल क्या रहा है, इसने एक स्प्रे में क्या कर रहा है। तो ये सारे उसका इंतजार कर रहे हैं कि ये आएगा तो ब्रिज से तो हम पे लेंगे। ठीक है बंदे को बोट मिला, इसका स्प्रे देखा गया, इसका M249 का स्प्रे और उस बंदे का M249 का स्प्रे, अभी दिखाऊंगा, अभी तो उसने M762 का स्प्रे दिखाया था, अभी दिखाता हूँ मैं उस बंदे का। वैसे तो मुझे देखने से भी ये कल लग रहा था क्योंकि इसके भी घोड़ा चेत नहीं थे, पर आप देखते हैं ये अभी लूट मूट मचा रहा है, पता नहीं क्या करना चाह रहा है, क्या सर्वर खाएगा क्या गाइस, ये सर्वर खा जाता। ठीक है ये चिकन निकालेगा कि नहीं ये आप बता सकते हो, अभी वीडियो को पोस्ट करो और बताओ, अभी तो वीडियो बहुत
मीन्स 2-3 मिनट की बची हुई, तो आप जल्दी से बता टाइम सेट करके कि 9:54 पे, ऐसे कि 9:54 पे चिकन हो नॉट, ठीक है, ये आप बता सकते हो ईजिली। जल्दी जल्दी बताओ अगर ये चिकन निकाल सकता है कि नहीं, वे तो आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा कि ये चल क्या रहा है इस बंदे का। तो ये आ चुका है अपनी गाड़ी से स्कूल तरफ, क्योंकि पता हमेशा रहता है कि अपार्टमेंट पे होते हैं बंदे आते हैं, ये पता नहीं वो तो क्या था भाई, ये कौन से चमत्कार था, इसने चलाया और ये खत्म। ओके, तो ये हमारे राम शाम भाई ने बोला कि अब तो ये हम दिलाते हैं, राम चला जा निकल पाओ सीढ़ी के। तो ये दिया इसने नेट का एक छक्का, ठीक है, ये धोनी ने दिया हुआ छक्का। तो वो नेट इधर आया और इससे बोला क्या मैं पढ़ जाऊँ, तो वो बोला भाग, तो उसने बोला तू चुप रह बे, तू आया गेम का सत्यानाश करने, रोक तुझे बताता मैं। तो अब गाइस ये हुआ सच, सत्य का साथ दिया है इन्होंने, ये थे हमारे सच्चे बंदे, जो जो नहीं चाहते कि एक और उनके साथ खेले। अगर आपकी टीम में भी अगर एक मिलते हैं तो आप क्या क्या उसे पनिशमेंट देना चाहोगे वो आप लिख के बता सकते हो, आपके हिसाब से क्या सजा देना चाहिए थी, इसके हाथ काट देना चाहिए थी, मूली से जला देना चाहिए थी, वैसे तो आप बता सकते हो। ये बंदे सारी मेहनत कर रहे हैं, बस ये अपोजिट टीम का नहीं है इसलिए इस पर ज़्यादा वो मेहनत नहीं कर पा रहा है, नहीं तो इसे बहुत मारते। ये दे रहे हैं इसमें टपाटप इसके साथ बुरी तरीके से। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आपके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट इस बंदे को देनी चाहिए थी, ठीक है, इस जुर्म के तहत जो भी इसने गुनाह किया है, ठीक है, इतना बड़ा जुर्म किया है इसने गेम में, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी धारा से क्या गुनाह मीन्स कौन सी सजा देनी थी वो आप बता सकते हो। ये हो गया उसका राम राम सत्य, वो हो गया राम राम सत्य बड़ा भाई का, और सॉरी बिस्वा भाई का। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, वैसे तो लास्ट में ये लोग चिकन निकाल लेते हैं मेहनत के साथ, बिल्कुल सत्य के साथ। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसीलिए बस कि इन्होंने हैकर को मार दिया, तो लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।